मुकेश त्यागी प्रवक्ता, भाजपा के संसद का विशेष सत्र, दूसरी तरफ रात्रि भोज G20 की, जिसमें निमंत्रण दिया गया है तमाम बड़े गेस्टों को। उसमें लिखा गया है इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या सरकार एक देश एक नाम पर विचार कर रही है? द प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो निमंत्रण पत्र गया है उस पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। क्या सरकार एक देश एक नाम पर विचार कर रही है? सबसे पहले आपका नमस्कार प्रीति जी, और मैं इस कार्यक्रम को शुरुआत चाहूंगा कि सभी पैनलिस्ट बोलें भारत माता की जय। तो ये जो भारत माता है वो कभी हम इंडिया माता की जय नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये एक कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटिश ने, मुझे लगता है कि 9th सेंचुरी से उठा करके और 17th सेंचुरी में इंग्लिश डिक्शनरी में इसका जो है समावेश किया गया है इंडिया का। तो ये एक हमारी जो गुलामी की, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी का अगर आप शुरू से वक्तव्य उठा के देखिए, वो चाहते हैं कि गुलामी की जितनी जंजीरें हैं उनको सबके काट के फेंक दिया जाए और हमारे देश की जो गरिमा है, देश का जिससे नाम बनता है, उन तमाम चीजों का, तभी हमने बहुत से सड़कों के नाम भी बदले। वो उसका कारण ये नहीं कि हमने अचानक बदले या इंडिया से इंडिया इनका बन गया तो उसे भयभीत होकर के बने। ये कल्चरल जर्नी है, सांस्कृतिक यात्रा है। उस सांस्कृतिक यात्रा में ये भी एक बहुत बड़ा पड़ाव है कि हम गुलामी की संस्कृतियों को तोड़ करके अपने हिंदुस्तान इंडिया का नाम छोड़ करके भारत कर दें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें किस बात का ऑब्जेक्शन हो सकता है, ये इतना बचकाना ऑब्जेक्शन। जयराम रमेश कह रहे हैं कि संघ परिवार है, ये आप कैसे करेंगे? आर्टिकल 1 में निहित है ये, इसको कैसे आप संघ परिवार नहीं कर सकते? देखिए वो उसमें तो यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है, लेकिन देखिए ऐसा शब्दावली में हम लोग क्यों नहीं परिवर्तन कर सकते? ये एक सांस्कृतिक मसला है। ठीक है, संविधान के अंदर अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो सरकार करेगी, और लेकिन आप इस धारा को अवरोध करना चाहते हैं कि अगर जैसे अभी उदयनिधि महाराज ने किस प्रकार के बेहुदे और गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिए कि सनातन धर्म को जो है उन्मूलन कर देना चाहिए, इस प्रकार के जो वक्तव्य आ रहे हैं लगातार, तो देश खिलाफ वक्तव्य आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी से जुड़े हुए हैं, जो उनके देश विरोधी जो उनके भाषण है, चाहे वो अमेरिका में ले लीजिए चाहे यूके में ले लीजिए। तो मैं समझता हूँ इन सब बिंदुओं को जोड़ के देखा जाए तो ये इंडिया जो है इसका नाम NTINDIA होना चाहिए, तभी इसको घमंडिया इंडिया कह रहे हैं। ये हर बात पे मोदी जी के बात में अवरोध करना चाहते हैं। अरे आपका आपका सांस्कृतिक एक यात्रा है, उसके तहत जो है नाम बदला जा रहा है, आपको उसको स्वागत करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं बताऊं प्रीति जी, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते आए, आज से नहीं करी, जब उन्होंने करी उस पर भी उन्होंने समस्या उठाई। इससे पहले वन नेशन वन टैक्स के बारे में बोले, GST के बारे में, तो मुझे ये बताइए कि क्या गलत बोल रहे। तो ये तो लगातार कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती रही हैं लगातार जो देश के प्रति, ये हर बात पे लोड देते हैं। अरे भाई इंडिया है, ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं बोलती हूँ, कांग्रेस के कई नेता हैं जिनका ये कहना है कि ऐसे तो मोदी जी अपने कितनी योजनाओं का नाम बदलेंगे, खेलो इंडिया, कितने सारे उनके स्कीम्स हैं जिनमें उन्होंने नारा दिया है और तमाम स्कीम्स में इंडिया जुड़ा हुआ है, तो क्या अगर आप चेंज करेंगे तो वहाँ तक कि आप सोचिए कि आप चेंज करेंगे तो आप कितने पॉलिसीज में चेंजेस करने होंगे? आप जो पैसा इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास नोट होते हैं, जो हमारे पास करेंसी है भारत की, उसमें भी इंडिया लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या उसमें भी बदलाव होगा? छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सोचिए फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आप टॉप टू बॉटम बताइए, बॉटम टू टॉप आपको किन चीजों को लेकर के कितनी सारी चीजों पर आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी? सिर्फ 2024, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सिर्फ 2024 के मद्देनजर सरकार ये सब फैसले ले रही है क्योंकि सरकार इनसिक्योर है इंडिया से, या फिर वाकई में सरकार चाहती है, जिसके लिए कई बार दलीलें दी गई हैं, कि भारत का सिर्फ एक ही, देश का सिर्फ एक ही नाम हो, वो हो भारत। देखिए प्रीति जी, ये लगातार ये बोलते चले आ रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको तोते की तरह से पढ़ाया गया कि आप बोलते रहे कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत होगी। लगातार पिछले जब से ये इंडिया का गठन हुआ है तब से ये एक ही नारा लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो गई है, लेकिन इनका पूरा इतिहास लेकर के ये आगे नहीं आते हैं। हमने एकीकरण की बात करी है, हमने वन नेशन वन टैक्स की बात करी है, हमने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी है, हम तमाम ऐसी चाहते हैं कि अखंड भारत की पुनरावृत्ति हो, तो ये भी एक श्रृंखला का एक हिस्सा है, और उसको लेकर के आप इंडिया बना करके वो प्रतिक्रिया देते रहे, आप मैं समझता हूँ कि बहुत ही
जिसको कहते हैं संकीर्ण विचारधारा से आप ग्रसित हैं, अगर भारत का नाम हो रहा है तो आप स्वागत करिए। ठीक है, जहां तक संवैधानिक एक सेकंड मुझे खत्म करने दिए। देखिए ऐसा बहुत से नाम से बदले गए, बॉम्बे का नाम मुंबई कर दिया गया, त्रिवेंद्रपुरम का नहीं, नहीं सर नाम यहां राज्य नहीं ना, देश का नाम है, आप देश का नाम है, पूरे भारत वर्ष का नाम है, मतलब राज्य ठीक है मुंबई दिल्ली, देश के सामने सब देश में निहित है, देश का नाम बदलना और राज्य का नाम बदलना ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया अगर अगर उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो मैं समझता हूँ ये प्रशासनिक व्यवस्था और हमारे हिंदुस्तान के प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मजबूत है, इसमें कोई वक्त नहीं लगेगा। ये इस बात को लेकर